हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमून। मैं हूं शांतले। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो है भाई खान सर FIR। तो ये है इसका टाइटल, खान सर के ऊपर। मेरे ख्याल से कोई FIR हुई थी इंडिया में, पता नहीं किसने करवाई, क्या हुआ, वो क्या सीन था, क्यों करवाई, अब पता लगेगा। हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि खान सर FIR वीडियो पे रिएक्शन दो, तो मैंने सर्च करी तो पता लगा कि भाई ये FIR वीडियो किसी और के ऊपर नहीं, खान सर के ऊपर ही हुई थी। सो गाइस, देखते हैं क्या सीन है ये और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट। 15 फरवरी से टोटल क्लास अपने समय से चलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टोटल क्लास अपने समय से चलने लगेंगे 15 फरवरी से। एक्चुअली क्या था, ऑफलाइन क्लास पे पटना में रोक लगा था कोरोना को लेकर, जो थर्ड वेव थी वो जब बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई थर्ड वेव, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि सब लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ था, जिस वजह से काफी जल्दी ये शुरू कर दिया गया। रेलवे में भी कई सारी बीमारियां थी, उसको हम लोगों ने वैक्सीन लगा के ठीक किया। हालांकि वैक्सीन लगाने के क्रम में हम लोगों के ऊपर भी FIR हुआ, कई सारे टीचरों के ऊपर भी हुआ। कई न्यूज में अफवाहों को भी चला दिया गया कि खान सर को गिरफ्तार हो गए हैं, ये हो गया, ऐसा कुछ भी था, कहीं अरेस्ट नहीं हुए थे। सारा चीज आपको बताते हैं। देखिए, ये पटना में FIR दर्ज की गई थी 24 जनवरी 2022 को। 24 जनवरी 2022 को ये डेट ध्यान से देखिएगा, 24 जनवरी 2022 को ये हमारे ऊपर ये FIR लॉन्च। धाराएं देखिए, 147, 148, 151, 152, 183, 153, 504, 506, 520 इतना भयानक धारा लगाया गया। FIR की कॉपी होती है भाई, आप लोग के ऊपर भी होगा ना, तो इसी तरह से पूरा डिटेल से लिखा जाएगा सारा चीज, कौन चश्मदीद गवाह था, कैसे कैसे मिला था। ये किसी व्यक्ति ने FIR नहीं किया था, जबकि खुद पुलिस ने किया था। मेरा नाम पुलिस निरीक्षक मनोरंजन भारती, वर्तमान अवधि में पटना जिला में पत्रकार नगर थाना में थाना अध्यक्ष के पद पर हूँ। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की कि जब भी ऐसे सार्वजनिक हो तो पुलिस केस होता है, इसमें पूरी जानकारी दी गई रहती है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। उसके बाद से लास्ट में थाना अध्यक्ष रहते हैं, उनका पूरा यहाँ पर जो धाराएं रहती हैं उसको लिखा गया रहता है। ये धाराएं जो थी बेलेवल सेक्शन में थी, इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी नॉर्मल केसेज होते हैं उन पर डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, नोटिस देना पड़ता है। ऐसा भी नहीं था कि इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी हो सकती, किसी टीचर की नहीं होती हम लोग को, लेकिन मीडिया ने कुछ 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 चला दिया। आप क्या कहिएगा मीडिया के बारे में यहाँ पर, अब उनकी यूट्यूब पर किसी को बोलने की स्वतंत्रता, जैसे यहाँ लिख रहा है खान सर गए थे पटना, पुलिस ने कहा कि आप बिहार से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। हम लोग बिहार से बाहर जा भी सकते हैं और गए भी थे, इवन हम विदेश में भी जा सकते हैं, मेरा पासपोर्ट यहीं पे है। जब सरकार किसी को जाने से रोकती है तो सबसे पहले पासपोर्ट जब्त कर ले, बिहार तो बहुत बिहार बार करना को नहीं, सब पासपोर्ट भी यहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं था, धाराएं भी इसको बना दिया हुआ। अब इसमें क्या क्या हुआ, देखिए कई सारे न्यूज चैनल थे तो उसमें लड़कों ने जो कमेंट किया उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए, ये NDTV पे चल रहा था कि छात्रों के लिए खान सर की अपील, वहां लिखा मान गए बिहारियों को, पूरे देश को हिला डाला, मैं NTPC CBT 1 में सिर्फ एक नंबर से रुका हुआ था, ऐसे ऐसे लाखों लड़के थे, इन्हीं के लिए आदमी आवाज उठाया था, एक नंबर से रुका था, ऐसे जगह से हूँ जहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, इतनी दूर हूँ कि बिहार में आके युवाओं का साथ भी नहीं दे सकता, बिहारियों को दिल से सलाम, पंजाब हरियाणा के किसानों के बाद बिहारियों ने, बिहार के युवाओं ने सरकार को झुका दिया। तो ये स्टूडेंट का इस तरह से था, ये चैनल पे ये कमेंट था। बिहार के स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, राजस्थान में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ, हालांकि राजस्थान में फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, हालांकि सारे स्टूडेंट और टीचर हर राज्य से मतलब सक्रिय थे इसमें। बिहार में और इलाहाबाद में थोड़ा सा ये प्रदर्शन ज्यादा हुआ था, जिस वजह से गवर्नमेंट पर ज्यादा दबाव बनाना पड़ा था। बिहार के आरा जिला में जहाँ पे ट्रेन के खाली इंजन में आग लगाई थी, वहाँ सरस्वती पूजा में देखिए पत्रकार मनीष कश्यप, हमारा फोटो भी लगा दिया गया वहीं का सेना का। तो सरस्वती पूजा में फर्स्ट टाइम हमको भी बड़ा खुशी हुआ कि सरस्वती पूजा में मां सरस्वती के बगल में खान सर का भी तस्वीर देख के काफी खुशी हुआ। और आरा के लड़के थोड़ा सा उग्र मत होइए बाबू लोग, आप लोग अब इंजन उंजन में, हालांकि ट्रेन जो जलाई गई थी आरा में और एक इंजन था उसमें किसी जान मतलब जान नहीं गई, लेकिन फिर भी ये गलत था, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा भीड़ उग्र हो जाती है। और ये जो घटना हुई थी ये 25 तारीख को हुई थी, आरा में ट्रेन जली थी 25 को, गया में जली थी 26 को, हमारे ऊपर FIR हुआ है 24 को, ठीक है। तो डेट समझते रहिए, आरा वाले लड़के बहुत जल्दी हम आरा आएंगे आप लोगों से भी मिलने उलने कि आप लोगों की पढ़ाई उड़ाई कैसे होगी, जो आरा के लड़के हैं वो कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। आगे देखते चलिए, अब मीडिया का क्या कहना था, खान सर ने आग लगा दिया, ये जी न्यूज है यहाँ पर, मतलब खान सर ने आग लगा दी। अब पूरा बकायदा ये 30 लाख रुपया महीना सैलरी कमाते हैं ये एंकर जो होते हैं, आप क्या बात है, 30 लाख रुपया महीना इन एंकरों का सैलरी होता है, 30 लाख करते हैं इंडियन। मेरा फोटो है, खान सर ने आग लगाई,
यहाँ पर आग लगा दी, लड़कों ने ही इनका जवाब दे दिया। यहाँ पर देखिए संकेत कुशवाहा ने लिखा है, ट्रेन जलते दिख रही है लेकिन छात्रों का भविष्य जलते नहीं दिख रहा है, वाह रे सरकार वाह। तो देखिए जवाब भी मिल जाता है इन लोगों को, लेकिन क्या कीजिएगा, 30 लाख रुपया मिलेगा तो कुछ भी करेगा। तो यहाँ पर समझना चाहिए मीडिया वाले भाई लोग को भी, इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक ललन रेटिंग का टॉप जो गेम है था सारा। इलाहाबाद में, एक लड़के का इंटरव्यू लिया, लड़का काफी मेहनती था, उसने बताया हम खान सर से पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा था एक लड़के ने, खान सर ने 250 रुपये में पूरा कोर्स दे देते हैं और सरकार 500 रुपये में एग्जाम फीस लेती है और एग्जामों टाइम से नहीं कराती। खुद सोचो हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, नौकरियां हमको मिलेगा, 250 रुपये के जगह पे हम अगर 10,000 में भी पढ़ाते तो लड़का आता, लेकिन हम सोचते हैं कि गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। क्या ये बात बचवा है, जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज है, बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा, कौन एडमिशन देगा इसको, यहाँ ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस दे के, ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है वहां पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। नहीं दे इसके लिए पाएगा। आते हैं खान सर, इन क्या लोगों के लिए बात हम है, लोग लड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी क्या नहीं होना बात चाहिए। है। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है यहाँ पर। देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर में एक शादी का माहौल है, ये दूल्हा है इनके या कोई भी होंगे, करीबी बच्चा है यहाँ पर, कितना सही। खुश नसीब है, इसके लिए हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज हर कोचिंग का दरवाजा खुला है, लेकिन इसी की शादी में ये महिला को देखिए, ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है, और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है, आप इसका जीवन का क्या संघर्ष देखिए, बात है, छोटे से बच्चे को गोद ले रखा, इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब देखिए, और ये भी एक बच्चा है इसका नसीब देखिए, इसको सारा जगह दरवाजे खुले, इसके लिए बंद रहेंगे दरवाजे, लेकिन याद रखिएगा खान अभी जिंदा है, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान, इतनी सस्ता इस पढ़ाई की, इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना, कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे, कहीं ना क्या कहीं ये बात बीट है। कर जाएगा आगे। इन लोग के लिए हम लड़ते हैं, और हमारे एप्लीकेशन को डाउन करा दिया गया, 1 हफ्ते तक हमारा एप्लीकेशन बंद हो गया, प्ले स्टोर से हटा दिया गया, लड़के परेशान कि ओके। एप्लीकेशन कहाँ गया, हम लोग खुद परेशान, हम लोग सर्वर चेक कर लिए कहाँ से कहाँ, कह रहा था कि अभी हम आपका रिव्यू कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन, अरे एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाते हैं और ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका जो महंगी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, इन गरीबों के लिए, इनके बावजूद एप्लीकेशन को रोका गया, तो कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है, एप्लीकेशन आएगा ही आएगा, एप्लीकेशन भले हटा दिए बाद में फिर आया, और कितने लड़कों को तकलीफ हुआ, यहाँ एप्लीकेशन पे स्टूडेंट देखिए 31,77,000 यहाँ पर, यहाँ पर, और ये करेंट डाटा बता रहे हैं, ये मोबाइल नंबर दिखता है जितने स्टूडेंट रहते हैं, इसको प्राइवेसी के लिए ढक दिए हैं, डाटा देखिए 14 फरवरी 2022 7:15 का ये डाटा है, अभी एकदम लेटेस्ट है यहाँ पर, कितने लड़कों को डिस्टर्बेंस हुआ था एप्लीकेशन के वजह से। तो हम सबको कहते हैं देखिए, हम जब भी जब तक जिएंगे हम स्टूडेंट के लिए लड़ते रहेंगे, हमें ऐसा नहीं है कि हम अमीरों के लिए या नहीं पढ़, हमारे पास अमीर गरीब दोनों पढ़ता है, लेकिन हम ये कहते हैं जहां गरीबों के रास्ते बंद हो जाते हैं, जब वो तरसने लगते हैं कि हमको एक बेहतरीन पढ़ाई मिल सकती थी, वहां हम उनके लिए खड़े रहते हैं, और हमेशा हम उन बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। अब क्लास भी खुल गया, आपको हम आज एक क्लास का वीडियो दिखाते हैं, क्लास में लड़के कैसे बैठे रहते क्या हैं, बात है। क्लास में थोड़ा भी जगह नहीं बच पाता है, 5-5 हॉल है, पांचों का पांचों भरा रहता है, अब क्लास देखिएगा तो फिर बैठने का जगह नहीं मिलता है, जमीन पे भी बैठे रहते हैं। देखिए बॉय लोग जो एडमिशन का स्थिति, जिन लोगों को लगता है कि पटना में आके पढ़ेंगे, जरा पटना के लड़कों लोग का स्थिति देखिए, यहाँ लड़की सबको भी बेचारी सबको बैठने का जगह नहीं है, और कहता है सर कि सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे, क्लास में कहाँ पे जगह बचा हुआ है जो बैठेगा वहां पर, आप नीचे जमीन पे जो बैठे हैं वो लोग बैठे रहेंगे, लड़का कहता है कि हम नीचे भी बैठ जाएंगे, अभी ये हॉल नंबर 1 की स्थिति है। अब ये देखिए जो कहते हैं नीचे बैठ जाएंगे, ये बेचारे सब नीचे को देखिए, ये जमीन पे जगह कहाँ है, क्या बात है यार। हम सर तो बड़ा वीआईपी काम कर रहे हैं, जमीन, लड़का कहता है कि हम जमीन पे भी बैठ सकते हैं, अब इसलिए बाबू लोग हम लोग को बहुत मजबूरी में कहना पड़ता है, अब कहता है सब कि हम बाहर सीढ़ी पे बैठ के पड़ जाएंगे, ये देखो सीढ़ी पे भी जगह रहना चाहिए तब तो, ये ऊंचाई दीवार पे बैठ के पड़ रहा है, ये देखो ये क्लास के बाहर की स्थिति है, इस
इसलिए बाबू लोग अभी आप लोग कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही पढ़े। देखिए ध्यान से, पटना में बाबू जमीन पे भी बैठने का स्थिति नहीं रह पाता, लड़की सबको बड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। यहाँ लड़का बैठ जाता तो स्टेज पे तो ये फूल रख दिए कि स्टेज तोड़ देगा समय। इसलिए बाबू लोग आप लोग जहाँ भी हैं मेहनत से पढ़ाई उड़ाई कीजिए। आप लोग जो जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं बाबू, एक दिन याद कीजिएगा जब अधिकारी बन जाएगा अपने ऑफिस में बैठिएगा तो समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए बहुत जल्दी माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। किसी भी शिक्षक को शौक नहीं लगा रहता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को जमीन पे यहाँ तक ऐसे बैठा के पढ़ाए यहाँ, लेकिन मजबूरी है। ये हॉल नंबर एक की स्थिति है, हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 सब भरा हुआ है। बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए हॉल नंबर 6 भी लेंगे, 6, 7 अब 15, 10 करना पड़ेगा। ठीक है, और बिहार दरोगा में जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है सबको शुभकामनाएं। कई लड़के अभी ऐसे मिठाई खिलाने लगे, अरे यार पीटी में रिजल्ट हो जाने से बहुत नहीं हो जाता है, अभी मेंस एग्जाम अप्रैल लास्ट में ले लेगा दरोगा मेंस, उसके भी बैचेज आ गए हैं काफी लेट, मतलब लेट बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप पीटी अभी निकाले हैं, पढ़े लिखे हैं, मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेज नहीं आते हैं। फिर भी मेंस में आपको जितना सिलेबस है, चाहे वो हिंदी है, जीएस है, साइंस है, करंट है, स्टैटिक है, मैथ्स है, सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अब आप उसको भी लेंगे पूरे एकदम सस्ते से सस्ते फीस में, आपको भी पता रहता है हमको। और कई लड़के गलती क्या कर रहे हैं, जिनका दरोगा में अभी ऐसे दौड़ लगा रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, अभी आप चुपचाप शांति से मेंस एग्जाम दीजिए। जब मेंस का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप दौड़िएगा, आपको 1.5 महीना एनफ होता है ये सब करने के लिए। ये सब हम आपको संस्था आपको अपनी ओर से कराएगी, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। चाहे आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ हो, गोला फेंको, कुछ भी हो, संस्था आपको अपने पास है, हम अपने जेब से आपको अपने जेब से पैसे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या बात है यार। एक और खुशखबरी ये कि जो भी इतना दिन था उसमें हमारी जो ऑक्सफोर्ड की एटलस थी, ऑक्सफोर्ड यूरोप की कंपनी, वहां का एटलस जो था तो काफी सारे उसमें पढ़ाते वक्त कुछ दिक्कतें आती थी, तो हम अपना एटलस लाए और ये एटलस इंडिया में, मतलब हम आपको कैसे बताएं, इसकी इस एटलस की फर्स्ट कॉपी, मतलब अभी हम लोग ने यूरोप में भी इसकी सप्लाई भी कर दिया। और जब ये यूरोप में इसको भेज रहे थे लोग तो उसके जो आते हैं सब सेल्समैन वगैरह वो बैठे थे, तब तक वो न्यूज पे दे रहा था खान सर पे FIR हो गया और मेरे सामने बैठा है, वो बेचारा घबरा गया था, व्हाट हैपेंड विथ यू सर, मैं कुछ नहीं हुआ है शांति। अभी हम लोग का एटलस भी आ गया, अब इंडिया में अभी इसका शॉर्टेज हो गया है भाई, हमको अंदाजा नहीं लगा था कि इसको मतलब बाहर भी निकल जाएगा। और इस एटलस को हम लोग पूरी तरह से इंडिया में सबसे सस्ता, अभी जो यूरोप में भेजे हैं उसका कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि यूरोप वाला हम लोग को लूटा था सब, तो अब हम लोग को मौका मिला हम उन सबको कैसे छोड़ेंगे, बट इंडिया में एकदम कॉस्ट इतना सस्ता रहेगा। ये एटलस भी बन के तैयार हो गया और बाकी जितने विद्यार्थी थे, टीचर थे, जितने लोग थे जो टीचिंग फील्ड से जुड़े थे, जो नहीं भी जुड़े थे, उन सारे लोगों ने जिन्होंने स्टूडेंट का सपोर्ट किया, सारे टीचर्स का सपोर्ट किया, आप सब लोग को धन्यवाद, हाथ जोड़ के आप लोग को धन्यवाद कहते हैं, सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप फिर से पढ़ाई पे लगे रहिए, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और जब तक हम हैं किसी के भी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आएगी, हम शुरू से यही कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें योग्यता होगी। हम एकदम सेफ हैं, ना ही हमको हम कभी ना हमको जेल हुआ, ना अरेस्ट हुआ, ना जेल गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब जो थी अफवाह थी, हम एटलस लिखने में बिजी थे और हम लोग थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे, एप्लीकेशन जब हट गया था प्ले स्टोर पे, फिर अमेरिका से कांटेक्ट करना, मेल टू मेल बात करना काफी वो हो जाता था कि ये सब चीज, काफी स्टूडेंट भी परेशान हो गए थे, हम समझते हैं हम भी पढ़ा नहीं रहते, हमारा भी मन नहीं। कल से स्टार्ट करते हैं, इधर कई सारे टॉपिक भी हो गए हैं, यूक्रेन में क्या हो रहा है, उधर आपका यमन में क्या होने जा रहा है, अभी एक तो बहुत बड़ा बैंक घोटाला हुआ है उस सबको, तो ये सारी वीडियोस काफी अटक गई थी, अभी सबको भी बनाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। सो गाइस ये थी वीडियो और खान सर की FIR की ये वीडियो थी और काफी सारी न्यू चीजें आज हमें पता लगी इनके बारे में। हम तो सिर्फ समझते थे कि अच्छी जो है रोस्ट करते हैं और अच्छी जो है इंफॉर्मेशन तो पता थी, मगर जो है जिस तरीके से इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, जैसे गरीब स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, तो ये बहुत बड़ा काम है यार ये भी। और क्या बात है भाई खान सर की फिर तो, और जो है FIR के मुतालिक जो भी अफवाहें थी वो तकरीबन FIR तो खैर उन्होंने बताया कटी थी, मगर जो है ऐसा नहीं हुआ था कि जो है अरेस्ट भी होगा, जेल भी होगा ही, और पता नहीं क्या क्या हो गया, वो तो लोग व्यूअरशिप जो है अपना रेटिंग के चक्कर में सारी सीन करते हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी इनकी चीज़ लगी कि जिस तरीके से इन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से इन्होंने बोला हमारे लिए ज़रूरी है कि जो है जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम लोग जो है उनको पढ़ाएं,
भले से कोई कुछ भी करे, हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग ये काम जारी रखेंगे। तो वाह भाई क्या बात है, ये तो खैर आज हमें पता लगा कि जो है ये काम ये कर रहे हैं, वैसे अच्छा हम काम कर रहे बहुत हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। सो गाइस काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और FIR का तो खैर हमें पता ही लग गया, बोल दिया हमने फेक है, FIR घटी है, मगर वो जो न्यूज जो थी बस सारी ये मेन न्यूज़ उसका फेक है। वो FIR भी वो अपना मेरे ख्याल से कोरोना के टाइम की, अपना वो तीसरी वेव के टाइम पे जो है कटी थी पता नहीं किसी चक्कर में तो वो। सो गाइस काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और इस वीडियो के जरिए हमें काफ़ी ज़्यादा और जानने को मिला खान सर के बारे में, जो कि हमारे लिए न्यू था। सो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, इसके मुंह से बेल आइकन ही निकलता। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।